आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्डपैड के अंदर में कोई भी पैराग्राफ कैसे सेट करेंगे, लाइन स्पेसिंग कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ डेटा एंड टाइम और इंसर्ट ऑब्जेक्ट का आप यूज कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक फाइल पहले से बना हुआ है, या आप इसको बना लें। बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके एडिटिंग का काम हम लोग कैसे करेंगे, पैराग्राफ आप चेंज कैसे करेंगे। पैराग्राफ का जो ऑप्शन सब है इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारा ये बना हुआ है, इसको ब्लॉक बना लेंगे या ऐसे ही आप कर्सर इसके पास में रख के और पैराग्राफ हम लोग खोजते हैं। तो हम सबसे पहले इसको ब्लॉक बना लेते हैं और यहाँ से पैराग्राफ पे जाके पैराग्राफ का ऑप्शन खोलते हैं। पैराग्राफ का ऑप्शन खोलने के बाद लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन यहाँ सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ में लेफ्ट का यूज करना सीखेंगे कि लेफ्ट में अभी यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, राइट में जीरो दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन जीरो दिया हुआ है। तो अगर लेफ्ट से एक इंची छोड़ने का अगर हमारा विचार है या मन है तो इधर से एक इंची आप छोड़ सकते हैं। तो जो ही एक इंची छोड़ के इसको ओके बटन पे जाके ओके दबाएंगे तो आपको लेफ्ट से इतना छोड़ दिया। तो आप देखें कि लेफ्ट इंडेंट के लिए इधर से हमारा लेफ्ट मार्जिन इधर से इतना पैराग्राफ में छोड़ दिया। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग समझते हैं कि पैराग्राफ लेफ्ट में अगर हम जीरो कर दें तो क्या होगा। जीरो कर देते हैं और राइट वाले में फिर से वन कर देते हैं। तो वन करने पे करेंगे तो हमारा लेफ्ट तो ठीक था, राइट से इधर से वन इंच इधर से छोड़ दिया। और इसमें फिर तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं फर्स्ट लाइन, राइट वाले को हम लोग अभी जीरो करते हैं और फर्स्ट लाइन में वन कर देते हैं। तो आप देखिए कि इस वे से पैराग्राफ आपको एक निश्चित वे में पैराग्राफ का सेटिंग छुआ है। बाय रूल पैराग्राफ लिखने में नियम होता है कि हर एक लाइन के लास्ट में आपको इंटर नहीं मारना है। जब आप इंटर मारेंगे तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक ये चेंज कर जाएगा। तो ये हमारा पैराग्राफ में तीनों ऑप्शन सब हुआ, लेफ्ट राइट और फर्स्ट लाइन का। इसी में हम लोग देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट या एक लाइन के दूसरे लाइन के बीच में आपको गैप चाहिए। सपोज कीजिए कि हमको इसमें यूज करके देखते हैं, तो लाइन स्पेसिंग के लिए आप इसको खोलिए यहाँ से लाइन स्पेसिंग को। तो इसमें दिया हुआ है 1.0, 1.15, 1.5 और 2। तो हम नीचे से चालू करते हैं, दो छोड़ते हैं, दो देखिए कि एक वर्ड और दूसरे लाइन के बीच में गैप आपका ज़्यादा हो गया। इसी स्थिति में हम यहाँ से चाहते हैं कि 1.5 आ जाए तो थोड़ा सा कम गया, इसी में आप यूज कर सकते हैं 1.15 तो थोड़ा सा कम हो गया, या 1.0 करते हैं तो आपका ऐसे हो जाता है। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज होता है। इसी में दिया हुआ ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, टिक लगा हुआ है तो इतना गैप है, अगर हम इसको यहाँ से टिक को हटा देते हैं तो आपको ये सट जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग इसका देखेंगे कि इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट बना के इसमें हम लोग लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ का यूज करके देखें। इसी स्टेप में एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे डेट और टाइम का यूज क्या है। इसमें दिया हुआ है आपके डेट और टाइम, डेट और टाइम के बारे में आपको अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो जो भी डेट और टाइम आपके सिस्टम का है, आपका आपके जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में कर्सर होगा ये आपको वहाँ पे आ जाएगा। इसका इतना ही वर्क है। इसी में दूसरा दिया हुआ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो न्यू का मतलब है कि आपको इसमें से जो भी पिक्चर है आप यहाँ से ले सकते हैं। क्रिएट न्यू दिया है तो क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि आप कहीं बाहर से पिक्चर ला सकते हैं, बाहर से पिक्चर ला सकते हैं, मतलब कहीं से पिक्चर आपको लाना है तो आप उसको ला के रख सकते हैं। इसके लिए आप ब्राउज में जाएं, ब्राउज में जाएंगे तो लोकेशन में आएगा, जहाँ भी पिक्चर होगा वहाँ से कोई भी पिक्चर आप इसको ला के रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, हमारा कोई पिक्चर है इसमें, इसमें से लेते हैं, इसको ओपन कीजिए तो ये पिक्चर ओके करने के बाद ये पिक्चर आपको यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। इसी में एक चीज़ हम लोग और जानेंगे, जैसा कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है 0 0 0 पहले से,
ये तो हमने पैराग्राफ का सेटिंग आपको बताया कि डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम लोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पहले से इसका सेटिंग कर ले, फिर बाद में राइटिंग करेंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर हम नहीं सेट किए हैं, तो अगर हम कुछ लिखते हैं तो हमारा इस टाइप से पैराग्राफ लिखाता है। बाय रूल नियम है कि हर एक लाइन के लास्ट में आपको इंटर नहीं मारना है। अगर आप इंटर मारते हैं तो हमारा शुरू में कर्सर चला जाता है। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जब भी मेरा पैराग्राफ चेंज हो तो वो एक सिस्टम हो जहाँ पे ऑटोमेटिक सेटिंग हो ले ले। इसके लिए फिर से हम लोग पैराग्राफ में जाएंगे। फर्स्ट लाइन को हम लोग यहाँ से वन कर देते हैं। सपोज कीजिए कि हमको फर्स्ट लाइन में एक इंची छोड़ना है। यहाँ से लिखे तो अब देखिए कि हमको यहाँ से ये लिखाएगा। लिखते जाएंगे जब भी हमको पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इंटर मार देंगे। तो इंटर मार देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमको फिर यहाँ से ले लिया। तो इस टाइप से कोई भी चीज़ पैराग्राफ के सेटिंग में हम चाहें या तो पहले से कर ले या बाद में हम लोग उसको सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इतना देखें कि पैराग्राफ कैसे सेट करेंगे, लाइन स्पेसिंग कैसे सेट करेंगे। आप देखें कि डेट और टाइम आप कैसे लाएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में आज हम इतना ही जानेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जो वीडियो हम बनाए आपको उसका लिंक मिलता रहे, आप यूज करते रहे और दूसरे लोगों को भी आप इसको शेयर करते रहे। जो भी इसमें आपको हम बनाए हैं, ये कोशिश किए हैं कि आपको अच्छा से अच्छा इसमें बताने का कोशिश करें। इसमें आपको जो भी अच्छा लगा नहीं लगा जो भी हो, आप हमको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप हमको लिख के बता सकते हैं।